आज हम बनाएंगे एक पेंसिल स्टैंड। तो ये पेंसिल स्टैंड का पार्ट टू है क्योंकि मैं एक और ऑलरेडी बना चुकी थी माजा के बॉटल से। तो आज हम बनाएंगे एक और पेंसिल स्टैंड, हेलो किटी वाला पेंसिल स्टैंड। तो ये बनाने के लिए आपको चाहिए एक नाइफ, एक सीजर कैंची, एक बॉटल, क्रेयॉन्स या स्केच पेन जो भी हो आपके पास, पेंट ब्रश, कलर्स पेंट्स और एक वाइट पेपर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप पेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको पानी का भी ज़रूरत पड़ेगा, या आप कलर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पेंट यूज़ कर रही हूँ। सो फर्स्ट हमें मार्क करना है कि हमें कहाँ बॉटल काटना है। तो मैं यहाँ काट रही हूँ, मैंने किनली का एक खाली बॉटल यूज़ किया, आप कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काटूँगी, मैं यहाँ पर मार्क कर दी। और आप अब ये चाकू के मदद से आप इसको काटिए अपने पे अपने माँ बाप के सामने, क्योंकि ये बहुत शार्प ऑब्जेक्ट है। तो मैं भी इसको काटती हूँ। तो ये मैंने काट दिया है, तो हम ये वाला लेंगे। ये वाला भी हम इसको साइड में, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें ये हटा देंगे, ये जो रैपर है इस पर। अगर आपके में रैपर है तो आप हटा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने ये रैपर हटा लिया है। तो अब हम अपना पानी लेंगे और हम अपना पेंट्स लेंगे। ये तो ये वाला जो हमारा पेंसिल स्टैंड ये हेलो किटी का होने वाला है, तो हम इसमें वो सफ़ेद रंग का पेंट लेंगे। तो अब हमें इसको पेंट करना होगा सफ़ेद रंग में। आपको पूरा कवर करना है तभी अच्छे से होगा। आप कोई भी पेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और गाइस मेरा तो मानना है कि जो भी सच्चा कलाकार होता है ना, वो ना हमेशा कोई भी अगर वेस्ट सामान पड़ा मिलता ना, तो वो उससे उठाकर कुछ अच्छा नया बना सकता है। तो मैं वैसे ही तरह की वीडियो आपके लिए लाती हूँ, जैसे कोई माजा का डिब्बा से हम बना सकते हैं, तो कोई प्लास्टिक का वाटर बॉटल जो हम फेंकते हैं ना, का वो ज़मीन कागज वो सब में, तो उससे हम क्या क्या नया नया अच्छा चीज़ें हम बना सकते हैं। और अगर हम अगर सब लोग ऐसा इसको बॉटल को यूज़ करने लग जाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा नेचर का और प्रकृति को ना बहुत सहना भी नहीं पड़ेगा। लोग तो खरीदते हैं वो सब, पर मैं हूँ कि मैं कितना बहुत कम खरीदती हूँ आर्ट का सामान, और उससे ही बहुत सारा सामान मैं बनाती हूँ। और गाइस मेक श्योर करना कि आप जहाँ जब ये बॉटल को पेंट कर रहे ना, तो आप ये इसके नीचे वाला तरफ ना नहीं पेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम आप सूखने के लिए ऐसे रखेंगे तो वो नीचे का पेंट चला जाएगा और जहाँ पे रखेंगे वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आप नीचे नहीं पेंट कीजिए और अंदर की तरफ भी आप पेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट बॉटल रहता ना, तो ये वाइट अंदर भी दिखता है कि वाइट है, तो इसको अंदर का पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वेस्ट हो सकता है। तो ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है, सिर्फ नीचे का थोड़ा इधर का बचा हुआ है, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये मेरा बन कंप्लीट हो गया है, मैंने इसको पेंट कर दिया है, देखिए तो हो गया। अब हम मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा हाउ टू मेक बैंगल या ब्रेसलेट, तो उसके लिए हम इसमें से कुछ लेंगे। तो ये ज़रूरी कीजिए कि आप इसमें से कुछ काटिएगा। तो इसमें आप पहले इसको ड्राई होने दीजिए, तब हम इसको काटेंगे। तो एटलीस्ट अभी तो समर चल रहा है ना, तो आप इसको कहीं पर रख सकते हैं धूप में, तो वो जल्दी सूख जाएगा 5 मिनट में। तो गाइस ये है मेरा सूखा हुआ, ये मेरा सूख गया है। तभी हम इसका टॉप पार्ट से हम थोड़ा काटेंगे ऊपर से, तो बहुत थोड़ा ताकि ये हम ब्रेसलेट बना सके। तो गाइस मैंने इसमें से ना ये काट दिया ये ब्रेसलेट इतना, ताकि हमारा ब्रेसलेट बनेगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। तो अब जब हमारा ये सूख गया है तो हम फिर से पेंट्स लेंगे। तो इस बार हम काला पेंट लेंगे, काला पेंट लेके हम इसका चेहरा जैसे विस्क वो सब बनाएंगे। ये देखिए ऐसा है, मैं इसका
से आपको इसको बनाना है। अब आपको ना ये वेट करना है कि ये जब सूख जाएगा तो अब तब तक हम बनाएंगे इसका कान आँख कान वो सब। तो ये मैंने बनाया है दो इसका कान। अब हम इसका बनाएंगे वो रिबन जैसा चीज। अब हम ये कलर करेंगे तो कलर कर लेते हैं। अब मैंने इस पर कलर कर दिया है तो अब हम इस पर टेप लगाएंगे ताकि ये और अच्छा दिखे। अभी तो ये थोड़ा हार्श है तो स्मूथ बन जाएगा। और गाइस जब हम ये सब बनाते हैं ना तो कुछ कुछ ऐसे जैसे कागज़ जैसे छूट जाता ना तो इसको हम नॉर्मली हम डस्टबिन में फेंक देते। तो हम इस बार ना डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे क्योंकि ये भी हमें काम आएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में पेपर्स खुशी का एक वीडियो में वो काम आएगा तो आप उसको संभाल के रखिएगा। तो ये हो गया है तैयार हमारा। अभी हम इसका नाक बनाएंगे। हम इसको बनाते हैं इससे। तो मैंने इसका नाक भी बना दिया है आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम पहले अपना डबल साइडेड टेप लेंगे इतना सा थोड़ा सा और हम इसको काटेंगे तीन पीसेस में हम काटेंगे क्योंकि दो कान है और एक रिबन जैसा है। तो ये मैंने काट लिया है और अब हम इसको ऐसे पीछे लगाएंगे। ये हो गया इसका कान। अब हम दूसरे कान को भी लगाएंगे और ऐसे ही आपको दूसरा के लिए भी करना है। तो ये बहुत फन है हमारा क्लास। तो और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत क्योंकि और भी ऐसे वीडियो आने वाले हैं मेरे चैनल में। तो आप मेरा चैनल देखते रहिएगा हर दिन या हर हफ्ते एक ना कुछ वीडियो तो आएगा ही आएगा ज़रूर। ये देखिए कैसे क्यूट से ये बन गया है हमारा हेलो किटी। तो लाइक भी करना भूलिएगा मत ऐसा क्राफ्ट्स के लिए तो लाइक तो बनता ही है ना। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर मेरा है स्केच पेंस तो मैं इसको अलग अलग करके रख रही हूँ ऐसे। तो ये काम करता है देखिए कितना अच्छा से काम कर रहा है और वो भी सुबह तो कितना अच्छा है। आप इस पर ना स्टिकर्स भी लगा सकते हैं और स्टिकर्स जैसे मैं लगाती हूँ अपना स्टिकर बुक से वैसे आप लगा सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। पर मुझे तो भाई ऐसा ही पसंद है। क्या आपको भी पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।